वाओ, ये देखो सब लोगों ने अपने घरों में कितनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है, कितने लोगों ने दिए जलाए हैं। और ये क्या बच्चे, ये फायर क्रैकर्स क्यों जला रहे हैं? लुक्स लाइक इट्स अ वेरी बिग ओकेजन टुडे। हाँ, आज है दीपावली, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत। हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलपुर नगरी में। और भगवान महावीर एक तीर्थंकर थे, तो उनके 4 कल्याणक हो चुके थे, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। जैसे ही भगवान के ज्ञान कल्याणक का समय आया, तो कुबेर ने स्वधर्म इंद्र की परमिशन से एक बहुत मार्वलस गोल्डन समोशरण की रचना की। सभी देव देवियाँ, मुनि आरिका, तिरियंज सभी ज्ञान कल्याणक महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे थे और ईगरली भगवान के मंगल उपदेश सुनने का वेट कर रहे थे। लेकिन ये क्या, भगवान को केवल ज्ञान हुए 66 डेज हो गए, लेकिन भगवान तो अभी भी मौन थे, कुछ भी उपदेश नहीं दे रहे थे। ही वॉज साइलेंट आफ्टर अटेनिंग सुप्रीम नॉलेज, मतलब केवल ज्ञान। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र ने अवधि ज्ञान से पता किया कि दिव्य ध्वनि भगवान की इसलिए नहीं खिर रही क्योंकि वहां पर कोई केपेबल गणधर ही नहीं है। आपको पता है गणधर कौन होते हैं? जैसे कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट बुक होती है ना, जो हमारे टीचर्स हमें अच्छे से समझा देते हैं, वैसे ही गणधर मुनि महाराज तीर्थंकर भगवान की वाणी को हमें अच्छे से समझा सकते हैं। गणधर मुनि महाराज ही तो भगवान की वाणी को 12 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे द्वादशांग कहते हैं। द्वादश मीन्स 12, अंग मीन्स पार्ट। तो स्वधर्म इंद्र ने जाना कि एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन है जिनका नाम है इंद्रभूति गौतम, जो कि भगवान के गणधर बनने के केपेबल हैं। इंद्रभूति गौतम तो बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनको अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। वो किसी को भी अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं थे। ही वॉज वेरी एरोगेंट अबाउट हिज नॉलेज। इसलिए उनको भगवान महावीर के समोसरण में लाना वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको पता है इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाया और वो इंद्रभूति गौतम के पास चले गए एक श्लोक लेकर। उन्होंने इंद्रभूति से उस श्लोक का मीनिंग पूछा, लेकिन इंद्रभूति गौतम भी उस श्लोक का मीनिंग नहीं बता पाए। एंड ही वॉज क्यूरियस टू नो कि इस ब्राह्मण के गुरु कौन है, इनके पास ये श्लोक कहाँ से आया, जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता। तो स्वधर्म इंद्र गौतम स्वामी को समोशरण में ले गए। इंद्रभूति गौतम, जो कि इतने प्राउडी थे, जैसे ही वो समोशरण में पहुंचे तो वहां बने सुंदर विशाल मानस्तंभ को देखकर उनका सारा मान, उनका अहंकार, उनकी सारी ईगो एरोगेंस खत्म हो गई। समोशरण में जाकर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से सोल के बारे में, जीव के बारे में पूछा और तब खिरी भगवान महावीर की वाणी, दिव्य ध्वनि, जिसे सुनने से इंद्रभूति गौतम की सारी शंकाएं, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए। एंड ही आस्क्ड क्वेश्चन टू भगवान महावीर। और उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और मुनि बन गए। जिस दिन गौतम स्वामी समोशरण में पहुंचे थे ना, उसी दिन से ही तो भगवान का उपदेश शुरू हुआ। एंड दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज वीर शासन जयंती। भगवान महावीर का समोशरण जगह जगह विहार करते हुए पावापुर नगरी के मनोहर वन में गया और 13th तिथि को, त्रयोदशी को, भगवान महावीर ने समोशरण को छोड़कर योग निरोध करना शुरू किया। योग निरोध मतलब एक जगह स्टेशनरी होकर ध्यान में लीन हो जाना। उसी योग निरोध के दिन को हम धन्यतेरस बोलते हैं। और ये दिन दिवाली से 2 दिन पहले आता है। तो योग निरोध के 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिनों के बाद भगवान ने शुक्ल ध्यान लगाया और उनके शुक्ल ध्यान से, इट इज़ द प्योरेस्ट ध्यान, और इस ध्यान से भगवान के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म खत्म हो गए और उनकी सोल कहाँ चली गई? सिद्धशिला में। इसी हैप्पी ओकेजन को तो हम भगवान की लिब्रेशन को, उनके मोक्ष कल्याण को हम दीपावली फेस्टिवल में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था 5वां सेलिब्रेशन मोक्ष कल्याणक।
सुबह तो भगवान महावीर को मोक्ष हुआ और इवनिंग में ही उनके गंधर्व गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। एंड दिस बिकेम द रीजन फॉर डबल सेलिब्रेशन, एक तो भगवान का मोक्ष कल्याणक और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव। हम सबको दीपावली के दिन बहुत ही पॉजिटिव और थॉट से मंदिर जाना चाहिए, अभिषेक पूजन करना चाहिए। शाम को मंदिर में भगवान की आरती, स्तुति, वंदन और उनके गुणों को याद करना चाहिए। और आपको पता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, भगवान महावीर ने हमें सबसे बड़ा उपदेश दिया अहिंसा परमो धर्म का, मतलब नॉन वायलेंस इज सुप्रीम। इसीलिए हमें कोई भी हिंसा का काम नहीं करना चाहिए, मतलब पटाखे, क्रैकर्स, बर्थ्स नहीं करने चाहिए, इनसे तो बहुत हिंसा होती है। डॉग्स, कैट्स, काउज लाउड साउंड से डर जाते हैं और कई बार हर्ट भी हो जाते हैं। इतने स्केरी साउंड सुनकर बर्ड्स के एग्स तक भी गिर जाते हैं कई बारी। एंड ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड वेरी वेरी बैड स्मोक। तो अब हम सब प्रॉमिस करेंगे कि हम हिंसा के काम कभी नहीं करेंगे, पटाखे, क्रैकर्स, बम कभी नहीं जलाएंगे, और दीपावली के दिन भगवान महावीर जैसे ब्रेव और काइंड बनने का प्रॉमिस करेंगे। करेंगे ना ऐसा ही? तो बोलो जय हो भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक की। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।